हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टियस में। आज हम ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करेंगे। उनका जो आईपीओ आने वाला है, किस दिन ओपन हो रहा है, किस दिन क्लोज हो रहा है, किस प्राइस का है, कितने लॉट्स हैं और किस दिन इसकी लिस्टिंग होगी, कब आपको पैसा वापस मिले, कब आपके डीमैट में आएगा, वो सारी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कंपनी करती क्या है, किन किन देशों में इसका कारोबार है। देखिए, हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुई कंपनी है 1978 में। ग्लैंड फार्मा हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पेरेंट्रल प्रोडक्ट बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोविंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट अक्रॉस 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। वी ऑपरेट प्राइमरी अंडर अ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल एंड हैव एन एक्सलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन द डेवलपमेंट, मैनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। दिस प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चैन हैज हेल्प्ड अस विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वी आर प्रमोटेड बाई शंघाई फोसम फार्मा, अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर। मतलब चाइना की कंपनी है शंघाई की, और उसके द्वारा ये प्रमोटेड है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, द एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, डाइवर्सिफाइड बिजनेस टू बिजनेस टारगेटेड बी टू सी मॉडल इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजरियल टीम। कंपनी की जो प्रमोटर्स, जैसे कि हमने बताया कि फोसम फार्मा इंडस्ट्रियल, अगर इस कंपनी कुछ फाइनेंशियल्स हम देख लें, मान लीजिए कि मार्च 2018-19 और 20 अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज इसमें जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अगर देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़िया ग्रोथ है, और अगर हम टोटल असेट्स क्वालिटी देखते हैं तो ये भी बढ़िया ग्रोथ है। आईपीओ की जो डेट है 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में है, 3 दिन खुली रहेगी 10 से 5 बजे तक। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, जिसमें से प्रमोटर्स भी अपने कुछ स्टेक्स में निकाल रहे हैं, और फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर के हिसाब से है। आईपीओ का प्राइस रखा गया है 1490 पर इक्विटी शेयर, और मार्केट लॉट है 10 शेयर्स का। इसकी लिस्टिंग हो रही NSE और BSE दोनों में, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ₹15,000, अगर 1500 के हिसाब से देखें तो 15,000 आपका इतना ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 13 लॉट तक कर सकते हैं, जो कि जिसकी अमाउंट होगी 1,95,000। उसके बाद जैसे कि आपकी मर्जी, एक लॉट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 2 या 3, उस हिसाब से आप पैसे को जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसकी फाइनलाइजेशन होगा 17 नवंबर को, इनिशिएशन ऑफ द रिफंड्स यानी जिसको नहीं मिला उसको फंड मिल जाएगा 18 नवंबर को, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 19 नवंबर को, और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो नवंबर 20 को है, उस दिन इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्लैंड फार्मा के बारे में जो न्यूज़ है कि ग्लैंड फार्मा 9 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुलने वाले अपने आईपीओ से पहले ही जो एंकर निवेशक उनसे 1944 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने ₹1500 पर शेयर के हिसाब से एंकर निवेशकों को जो है 1,29,59,000 शेयर आवंटित किए। इस दाम पे कंपनी ने जो है 1944 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो आईपीओ जो मिलने वाली रकम है उसका इस्तेमाल ये लोग करेंगे वर्किंग कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए, यानी कि कंपनी की ग्रोथ में ही लगाया जाएगा, एक्सपेंशन वगैरह करेंगे। ग्लैंड फार्मा की स्थापना PVN राजू ने 1978 में की थी, और फोसन फार्मा यानी कि जो शंघाई कंपनी है 2017 में इसकी 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। तो इस तरीके से जो अभी तक के कर्मचारी हैं 31 मार्च 2020 तक में भारत में 3,791 इसमें जो है एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं। तो बढ़िया लग रही कंपनी ओवरऑल, जिस प्रकार से इसके फाइनेंशियल्स हैं और जिस प्रकार से इसका कामकाज है, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट एक लॉट के लिए तो आवेदन करना ही चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, और आजकल तो पता ही कि आपको फार्मा को लेके लोग कितनी कंपनियां भाग चुकी हैं, और जो आईपीओ, हालांकि कुछ पिछले महीने कुछ जो आईपीओ थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, परंतु तो फार्मा का सेक्टर अभी फिलहाल चल रहा है। तो इस वजह से इसमें जो लोग चाहें तो आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि ये आईपीओ क्या है, ये शेयर क्या है, देखिए किसी कंपनी की जब आप हिस्सेदारी ख़रीदते हैं यानी कि शेयर उसके ख़रीदते हैं, तो यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है एक्सचेंज पे, ताकि आप लोग उस पर जो है ट्रेड कर सकें। तो जब लिस्टिंग होगी तो उसके कुछ शेयर्स जो है शुरुआती तौर पे आपको अलॉटमेंट में मिलेंगे,
तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जिस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन से ही आजकल अकाउंट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कोई सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। कि बहुत बहुत धन्यवाद।